हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन चार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत सारा थैंक्स कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। मेरी स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद आई। एक जने का कमेंट है कि हाई द ओनली फ्यूजन चार्ट एक्सप्लेन हाउ टू सिलेक्ट द चार्ट्स और स्टॉक इन डिफरेंट वेज, एवरी वन सेज पैटर्न बट यू क्लियर ऑल आवर डाउट्स अबाउट स्टॉक सिलेक्शन, सिंपल एंड इफेक्टिव वीडियो सर, स्टॉक सिलेक्शन प्रॉब्लम इज नाउ ओवर, थैंक्स सर, यू आर डियरली डूइंग ऑल दिस फेबुलस, थैंक्स एंड वॉज वेटिंग फॉर दिस शेयरिंग की। तो ये सारे कमेंट्स आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, इससे बहुत मोरल बूस्ट होना, बहुत बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होता है सामने वाले का। तो इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए और मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और लाता रहूँगा, प्राइज एक्शन से रिलेटेड एंड मनी मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो बस आपको क्या करना है कि कीप इट सिंपल, बी लॉजिकल एंड कीप इट सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से मैंने लाइव ट्रेड करे थे, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से मैंने दो चार स्टॉक्स के बारे में लाइव वीडियो में बोला था और वो मूवमेंट किस तरीके से करा उनने, उसके बाद में अनबिलीवेबल मूवमेंट रहा है। सबसे ज़्यादा जील का मैंने लाइव वीडियो में दिया है, आपको देखना उसमें, और ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। लाइव वीडियो लाइव तो ट्रेडिंग दिखेगी दिखेगी, एज वेल एज जो आज के स्टॉक सिलेक्शन था उसके सारे रीज़न भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। उससे पहले मैंने एक अपना आरती ड्रग्स दिया था, अगर आपको याद हो तो, एट दिस आउट ऑफ जेल आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने बोला था 835 पर करीबन मैंने बोला था बाई करने को, और ये आज अच्छा खासा रनर अप देखे गया। 823 पे मेरा बाई था, 945 आज क्लोजिंग हुई है, 14% का गेन। गाइस, दिस इज द लाइव ट्रेडिंग और मैं एक बोला था कुछ लोगों को लाइव ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो एक ट्रेड चल रहा है भारत फोर्स का और अभी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो ये इसका चार्ट है, 5 मिनट चार्ट, जो कि 15 मिनट में ये टारगेट है। तो पॉसिबल है इस टारगेट के पास पहुँचते ही मैं अपना टारगेट पूरा बुक कर लूँगा। ओवरऑल रियलाइज प्रॉफिट मेरा ये है और ये अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब जो अभी क्वान्टिटीज बची हुई हैं, टोटल 1000 क्वान्टिटीज बाय करी थी। मेरिको का एक ट्रेड चल रहा है लॉन्ग का, शॉर्ट लॉस लगा रखा है, मेंटेन है शॉर्ट लॉस, तो लेट्स सी क्या होता है। और जील वगैरह में सब ट्रेड चला ही है मेरा, ओवरऑल 11,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, और अच्छा खासा अभी देखते हैं, धीरे धीरे एग्जिट करेंगे इसको। और 299 300 पे हम लोग कुछ और क्वांटिटीज़ बुक कर लेंगे, तो 150 क्वांटिटीज़ बुक कर लेते हैं हम लोग, एट 300+ बुक करेंगे अगर आया तो, अदरवाइज जैसा चल रहा है चलने देंगे। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है अभी इसमें 297 का, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये कुछ मेरे पोजिशनल रेट्स हैं, लेट्स सी, इसमें तो कुछ नहीं होगा। ओके, एंड 299.70 चल रहा है अभी, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता, तो ये चार्ट है इसका, मैं आपको सारे मार्किंग्स वगैरह दिखा दूंगा भारत फोर्ज के। ये रेजिस्टेंस था गाइस, तो ये ब्रेकआउट दिया इसने, एंड दोनों ट्रायंगुलर ब्रेकआउट प्लस ये ब्रेकआउट, एंड देन यहाँ से अच्छा खासा मूव देखने मिला। जहाँ मेरी एंट्री थी, एंट्री मेरी 290 ये एवरेज कॉस्ट है, इससे नीचे ही एंट्री करी हुई है। तो देखते हैं हम लोग कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ट्रेलिंग चल रही है सिर्फ, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। ये स्टॉक्स है लिस्ट में जो मेरे को ट्रेड करने थे, रिलायंस परमानेंट रहता है वो सारे, ये विद प्राइस एक्शंस, और 300+ आया था प्राइस, लोग देखते हैं 150 क्वांटिटीज निकालेंगे। ओके, 299.90 प्राइस ऊपर जाने की कोशिश, ये लास्ट ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। ओके, लेट्स सी, 299.80 पे, अच्छा 300 आ गया प्राइस। कम ऑन बेबी, 300, ₹200 का स्टॉक है, ₹3 भी मिलते हैं, तो दैट इज 1% गेन इन अ डे, दैट्स इनफ फॉर दैट, मूवमेंट इतना बहुत रहता है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, अगर ये गिरेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इट्स ओके, और
बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। फर्दर अभी कोई और ट्रेड, लेट्स सी, दिस इज द सपोर्ट इन NIIT टेक, और यहाँ पर एक ट्रेड पॉसिबल बन सकता है, लेट्स सी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, सो कैन बी पॉसिबल। यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस एरिया, तो टारगेट बहुत छोटा रहेगा अभी, तो इसको इग्नोर करते हैं। ओके, मैरिको में क्या सीन चल रहा है, लेट्स वेट एंड वॉच। मैरिको, ओके मैरिको में ये मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, लॉन्ग करा था यहाँ पर इस एरिया में, तो लेट्स सी, 326 का स्टॉप लॉस है और 326.60 चल रहा है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, भारत फोर जा रहा है नीचे। भारत फोर्ज, ओके 15 मिनट कैंडल स्ट्रॉन्ग स्टिल नाउ, सो देर इज नो रिवर्सल टिल नाउ, लेट्स सी के प्राइस जस्ट अ रिट्रेसमेंट और इट्स इट विल गिव अ रिवर्सल, लेट्स सी। ओके वी कैन ट्रेल, ट्रेल तो चलो ऑलरेडी है ये, लेट्स सी अनदर चार्ट। ओके ओके, जी एंटरटेनमेंट एक अच्छा लग रहा है, सो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑलरेडी मूव, ठीक है मूव हो चुका है ऑलरेडी, यही एंट्री करनी थी, सो हो सकता है पॉसिबल डेज हाई बना दे, ये पॉसिबल है, कुछ कह नहीं सकते। सो थोड़ा सा नीचे आ गया बालकृष्ण, सॉरी भारत फोर्ज। ओके अब ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने की जरूरत नहीं, जो मेंटेन करके रखा है वही रखो, बशर्ते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाए, प्रॉफिट कम हो गया 11,000 से 10,000 हो गया, इट्स ओके, बट यू हैव टू मैनेज लाइक दिस ओनली, अदरवाइज यू विल नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन दिस। सो लेट्स सी, ओके भारत फोर नीचे आ रहा है, जील इज गोइंग गुड, मेरी को स्टॉप लॉस करेगा, मेरी को गारंटी समथिंग स्पेशल। अब सिप्ला में जो मूवमेंट आया है, सिप्ला में जरूर देखिएगा, दिस इज 15 मिनट चार्ट, तो ये एरिया हमारे लिए की एरिया हुआ, इसके ऊपर पॉसिबल एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने मिले हम लोगों को, सो मैं इसके इसके ऊपर जाने का इसका वेट करूँगा, ओके देन वी विल गो फॉर द लॉन्ग साइड, सो लेट्स वेट एंड वॉच। जुबली एंड फूड नथिंग, सपोर्ट से ही बाउंस हुआ है, ओके जील देखो अच्छा खासा मूव हो रहा है इसमें, जील एंट्री तो थी बट इट्स ओके। अब जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, भारत फोर्ज में जो अब मैं चार्ट दिखा दूँ आपको, अगर प्राइस यहाँ से कैंडल बनाकर ऊपर गया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 297.80 हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा इधर, ओके पॉसिबल है, लेकिन अगर ये तोड़ा भी इसको इस वाले लो को तोड़ा तो ये नीचे भी जाएगा, सो इट्स बेटर कि मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँ यहाँ पर 297.80 पर एंड देन इसको छोड़ देता हूँ मार्केट के भरोसे, ओके सो दिस इज I am changing stop loss of 297.80
70 कर देता हूँ. ओके मॉडिफाइड 300 क्वांटिटीज बुक्ड सॉरी ट्रेल्ड, और देखते हैं अगर ये ब्रेक करेगा तो फाइनली मेरा एग्जिट हो जाएगा. मतलब फूड से ओके सिमेंस ब्लैंड आरती ओके. वाओ NIT देखा मैंने, पहले बोला था आपको NIT टेक बाउंस हुआ यहाँ से और क्लियर कट यहाँ पे बाउंस और शार्प मूवमेंट देखने मिल रहा है हम लोगों को. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था इसने ये ब्रेक कर दिया, रिवर्सल नहीं लिया यहाँ से, जो इस तरीके से प्राइस को यूं करके जाना चाहिए वो नहीं लिया, प्राइस गया ऊपर. तो अब प्राइस यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है इस एरिया में तो इट कैन बी, या ब्रेकआउट देता है तो इट कैन बी, मतलब कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देता है तो इट कैन बी अ लॉन्ग साइड. अदरवाइज अगर यहाँ से अगर नीचे रेजिस्टेंस लेता तो इट कैन बी अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इट. ठीक है, सो NIT में ये आपके लिए एक लर्निंग चीज मैंने बताई आपको. सो बहुत प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ मैं, और सब चीज बड़े ढंग से तमीज से बिल्कुल सिंपल तरीके से. अब देखो ये भागा भारत फोर्ज आपका फिर 299 हो गया. ठीक है तो चलने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा गाइस, है ना. ये चलने देते हैं ऐसे ही. NIT रील हमारा निकल गया बिकॉज और ट्रेड्स में हम लोग हैं, तो मैंने बोला आपको कि 3 ट्रेड मैक्सिमम होने चाहिए, तो मेरे 2 चल रहे हैं तो दैट्स ओके. डन फॉर द डे तो हम नहीं हुए अभी, बट ठीक है जैसा मिल रहा है वैसा सही. थोड़ा मैं आज बिजी हूँ काम में. ओके अगर यहाँ से ही ब्रेक देता है तो और अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज यहाँ से लो तोड़कर नीचे जा सकते हैं. NIT टेक ओके टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया जो था. ओके ओके सॉरी चुबलियन फूड देखो ये सपोर्ट ले रहा है 15 मिनट में, 5 मिनट में अगर कोई ये देखो ये है ना एक ट्रेंगुलर पैटर्न बन रहा है सपोर्ट लेकर, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे तो हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं इसमें. ठीक भारत फोर्ज लेट्स सी क्या होता है, मेरी को भी वहीं फंसा हुआ है. रिलायंस ने गैप फिल करके ऊपर गया, अगर आपको 5 मिनट टाइम में दिखाता हूँ तो देखिए रिलायंस में जो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गैप फिल करा सपोर्ट लिया यहाँ से ऊपर. ओके रिलायंस मेरा परमानेंट वॉच लिस्ट में रहता है सो दैट्स द रीजन ऐसा लग रहा है इसको लू तोड़ दी होंगी. मैरिको स्टिल एट दैट पॉइंट झील अच्छा चल रहा है, देखो मैंने बोला था आपसे एंट्री मिस हो गई बट इट्स गोइंग गुड. मेरी को तो स्टॉप लॉस करने वाला है बस. वाओ सिप्ला रिजेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल, तो ये तोड़ना बहुत जरूरी था इसके लिए अगर लॉन्ग जाते तो. ओके भारत फोर्ज इन 15 मिनट स्ट्रॉन्ग टिल नाउ. ओके पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, सो देखते हैं अगर ये यहाँ तक आया मैं बुक कर लूँगा डायरेक्टली, देर इज़ नो वेटिंग फॉर दैट. ओके क्योंकि ये मेरा क्लियर कट टारगेट है, सो आई विल वेट फॉर दैट और मैं इसको एग्जिट के लिए लगा देता हूँ भारत फोर्ज. अगर ये डायरेक्टली वहाँ जंप देता है तो मैं एग्जिट कर लूँगा. सो लेट्स सी ओके मेरी को हमारा कट चुका है, मेरी को स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप का हिट हो चुका है एंड भारत फोर्स देखते हैं अगर ये शार्पली ब्रेक करता है दैट विल बी अपॉर्चुनिटी टू बुक डायरेक्टली एट दैट पर्टिकुलर लेवल. सो देखते हैं अच्छा इसमें तो कुछ क्वांटिटीज को हम लोग
एग्जिट कर देते हैं सेल, चलो डायरेक्टली बुक करेंगे, जाने दो नहीं जा शॉर्ट गोइंग सी। दिस इज माई लास्ट ट्रेड गाइस, आई एम ऑलरेडी डन फॉर द डे। ठीक है थोड़ा बहुत चलता है इतना प्रॉफिट, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे को कुछ काम भी है तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन। और फालतू में टेंशन लेके बाहर जाओ, बेटर है कि जितना हुआ उतना लेके घर लगा दो। तो ये इट्स ओके, नाउ इट्स टाइम टू बुक और नॉट, 300 प्लस है, सो लेट्स सी। थोड़ा और ऊपर जाता है तो हम लोग अपने टारगेट्स पे बुक कर लेंगे, 350 तक, 355, 355, 355 एंड 335, 350, 360। ठीक है हमने बुक कर लिया है, एग्जिट पोजीशन एग्जिट, ऑल थिंग्स डन। तो इस क्वार्टर को कैंसिल कर देता हूँ मैं, इसमें जो मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो गाइज दिस इज द ट्रेड्स जो कि मेरा हो चुका है, जो ट्रेड्स एट 10:36 पे हम लोग डन फॉर द डे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। फर्दर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट मेरे को कुछ काम है, इस तरीके से आपको मैनेज करना होता है। देखिए अभी भी 301 करीबन आ चुका है प्राइस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एंटर, मैं सारे रीजन सारी चीज़ें सब आपको शेयर करूंगा। ओके ट्रेडर्स, समझते हैं हम लोगों के रीजन्स लॉजिक्स और सेटअप्स कि किस किस तरीके से मैंने ट्रेड लिए थे और किस तरीके से मैनेज करा था और क्या क्या स्टॉक्स में सेटअप्स बने थे, वो सब देखेंगे हम लोग। तो पहला था सिप्ला, सिप्ला में देखिए गाइस एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था। सिप्ला ओपन हुआ ही रेड कैंडल के साथ एंड देन यहाँ से इसको पॉसिबिलिटी सपोर्ट लेना था। सो लेट्स देखिए कि क्या हुआ एट इन 15 मिनट इट टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, बट यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन मेरे को नहीं मिल रहे थे कि मैं बाई करूँ। सो आई हैव ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, मेरे को एक ब्रेकआउट दिखा, कन्फर्मेशन दिखा, तो यहाँ पर मैंने बाई करा एट 631, द स्टॉप लॉस ऑफ 628 एंड मेरा टारगेट सिंपल एज दैट, जो मेरा पहला रेजिस्टेंस था वो, दैट मींस ये रेजिस्टेंस क्लियर कट यहाँ पर बुक हो गया। एग्जैक्टली यहाँ पर बुक खत्म करना था आपको ट्रेड को, उसके ऊपर जाता तो दूसरा ट्रेड ले सकते थे। तो ये एक ट्रेड था, प्लस आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर देखनी थी तो आप डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते थे, वेट करते कि प्राइस ऊपर दोबारा नीचे आए एंड देन यहाँ पर नीचे शॉर्ट कर सकते थे। अदरवाइज यू कैन मेक अ ट्रेंड लाइन और एनी थिंग एल्स, कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे एक ये पैटर्न बन गया इस तरीके से छोटा सा, तो ये एक ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस तरीके से, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बट ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न था सिप्ला का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज मैरिको। मैरिको में हमने अपनी होशियारी मार ली ज़्यादा, चक्कर था ये तो एरिया था ही इसका बाइंग का। ओके मैंने ट्रेलिंग बहुत जल्दी कर दी थी, थोड़ी सी गलती मेरे से ये हो गई, तो मैंने बाई तो भाई यहाँ पे कर लिया था डायरेक्ट 326.35 के आसपास, मैंने इस कैंडल जैसी क्लोज हुई। अच्छा पहले मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ ड्रॉ करने का रीज़न। सो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक एरिया बन गया, एक सपोर्ट था। ओके सॉरी कैंडल खुली इस एट दिस पॉइंट, सॉरी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल बड़ी वाली कैंडल खुली, प्राइस ऊपर गया ऑलरेडी। तो हम लोगों को अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये क्लियरली एक ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ के करीब हमने बाई करा था 326 पर। अब क्या हुआ, जैसे ये 326 से ऊपर गया 329 तक, तो मेरा टारगेट तो नहीं था ये इतना, बट ये जो ये एक रिवर्सल कैंडल सी लगी जो रिजेक्शन दिखा मेरे को, सो आई हैव ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस एट 326 point something पे ही, कॉस्ट पे ही ट्रेल कर लिया था एंड देन वहाँ से वो मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जबकि मेरे को स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रखना था 323 पे ही था पहले, लेकिन मैंने ट्रेल कर लिया, गलती मेरे से ये हो गई एंड ये सपोर्ट जोन से वापस आकर एंड ये बहुत अच्छा मूव देखेगा, मतलब ये स्टॉक भी बहुत अच्छा वर्क करा मेरी को। सो ये मेरे से गलती हुई है, आई एक्सेप्ट इट। ओके होता है, कोई बात नहीं है ट्रेडिंग में। जील, जील का इतना ऑसम ट्रेड था मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रॉफिट हो चुका था एंड आई हैव मिस्ड द जील, बट मैंने ये शेयर करा था लाइव ट्रेडिंग में, तो आप देख सक, आपने जो अभी वीडियो देखी हुई उसमें मैंने रिकमेंडेशन दी थी जील की कि जील बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट था, प्राइस ये स्कैंडल पे खोला, डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद कन्फर्मेशन दी स्कैंडल ने, और यहीं कहीं मैंने बोला था कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है पर मेरे से ये छूट गई थी, यही लेवल पे मैंने लाइव वीडियो में दिया है
अभी पिछली आप जो वीडियो थोड़े से क्लिप आपने जो पहले देखी होगी लाइव वीडियो में, तो यहीं पे एक अराउंड मैंने बोला था जील एक बहुत अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से एक अच्छा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। एंड सी जील क्या हुआ वहाँ से, मतलब 166 से इट वेंट टू 186, दैट मीन्स 20 पॉइंट्स गेन। तो ट्रेलिंग करते हुए अगर आप जाते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है जील में। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या शेयर करूँ आपके साथ, स्टॉक सेलेक्ट करके आपको दे देता हूँ, कम से कम मैनेज करके उसको प्रॉफिट करना तो आपके हाथ में है ना, तो वो चीज़ तो कम से कम करिए गाइस। तो ये आपका टारगेट हो सकता था पहला 172 अगर आप बाई करते तो। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बालकृष्ण इंडस्ट्री बहुत अच्छा चला। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक दो सपोर्ट एरिया थे। प्राइस कहाँ खुला, प्राइस खुला एट दिस पॉइंट, ओके इस लेवल पे, सॉरी ये लेवल पे। एंड अब यहाँ पर क्या आया था कि प्राइस ऊपर खुला मेरे रेजिस्टेंस के आसपास, एरिया के आसपास। अब इसमें क्या बैंक अपॉर्चुनिटी बनती क्या नहीं बनती, इन 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में ना तो मेरे पे ऊपर के लिए कुछ है ना मेरे लिए नीचे के लिए कुछ है, तो इट्स बेटर कि अगर मेरे को प्ले आउट करना है इसमें तो मेरे को ये इस तरीके से 5 मिनट में एक रेजिस्टेंस में बना लेता, तो मेरे लिए तो एक एंट्री यही होती लॉन्ग के लिए, अदरवाइज मेरे लिए कोई भी इसमें ट्रेड नहीं था बालकृष्ण इंडस्ट्री में। चला ही अच्छा, बट ऑलरेडी ये गैप अप ओपन हो गया था और मेरे एरिया के आसपास नहीं आया, तो आई हैव नॉट ट्रेडेड ऑन दैट, ओके। एंड देन आपका नेक्स्ट आता भारत फोर्ज। भारत फोर्ज आपके सामने मैंने लाइव ट्रेडिंग करी ही है और मेरा टारगेट ही था 301 मैंने ये यहीं पे बुक करा था, उसके बाद भी बहुत अच्छा चला। सो अब ये क्यों करा, रीज़न आप देखना, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, दो रेजिस्टेंस है, ये एक नीचे का सपोर्ट। प्राइस खुला यहाँ पर, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया। अब देखो 5 मिनट में ब्रेकआउट दिया, 5 मिनट में ये जो बार बार रिजेक्शन आ रहा था, तो ये रिजेक्शन क्लियर कट एक सिग्नल था, मतलब ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा। प्राइस एक लोअर हाई बनाया जा रहा था, सो दैट मींस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट आता है इस तरीके से, व्हेन हॉरिजॉन्टल इज फ्लैट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज फ्लैट एंड इट्स मेकिंग लोअर हायर लो बना रहा हो, एंड दिस इज द ब्रेकआउट। यहाँ पे मैंने बाई करा था 297 के आसपास बाई करा था, एंड दिस वाज माय टारगेट एंड क्लियर कट यहाँ पर टारगेट मैंने कवर कर लिया अपना, अपने क्लिप में देखा हुआ। तो ये मेरा बुक हो गया था, ओवरऑल यही मेरी ट्रेडिंग थी आज की, तो यही मेरे स्टॉक्स थे जिस पर मैंने ट्रेड करा। होप कि आप लोगों को रीजंस और वीडियोस पसंद आई हो, लाइव ट्रेडिंग वीडियो पसंद आई हो, आगे ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। प्लीज़ अपना कमेंट्स, अपने कमेंट्स और अपनी वीडियोस पर लाइक वगैरह ज़रूर करिएगा, शेयर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करवाइए लोगों को, उनका भी हेल्प हो सके। तो होप कि गाइस आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।